नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में झमाझम बारिश का दौर जारी, आज इन 5 जिलों में जमकर बरसेंगे बदरा, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने नैनीताल के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज है पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.95 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 88.99 रुपये। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.37 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 89.48 रुपये। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.44 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 89.58 रुपये। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.62 रुपये, वहीं डीजल के दाम है 89.75 रुपये। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। राष्ट्रपति चुनाव पर बैठक। राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए एनडीए नेताओं की दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में एनडीए नेताओं की रणनीति पर चर्चा होगी। खेती सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हजारों किसान तथा सभी अन्य हितधारक भाग लेंगे, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे लखनऊ के भैंसा कुंड घाट पर संस्कार किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बिक्री की अंतिम तारीख। सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुनावी बॉन्ड के 21वें चरण को मंजूरी देने के बाद शुरू हुआ इन बॉन्ड की बिक्री का आज अंतिम दिन। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे, इसे SBI की अधिकृत शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। रुद्रपुर रहेंगे अजय भट्ट। केंद्रीय मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचेंगे, यहां कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करेंगे। UTU एंट्रेंस एग्जाम। देहरादून स्थित वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा होगी। UTU से 32 इंजीनियरिंग कॉलेज संबद्ध। बकरीद का त्यौहार इल उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार आज देश भर में मनाया जाएगा। बकरीद को मुस्लिम समाज के लोग त्याग और कुर्बानी के तौर पर मानते हैं। देवशयनी एकादशी। हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने में आने वाली दोनों एकादशी तिथियों का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ महीने की पहली एकादशी को योगिनी और दूसरी या अंतिम एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। आज देवशयनी एकादशी के दिन कई शुभ संयोग बने। इस अवधि में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होने के साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आज से चातुर्मास। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निंद्रा में चले जाते हैं। हिंदू धर्म में इस अवधि को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका समय 4 महीने का होता है। मान्यता है कि इस दौरान धरती का कार्यभार भगवान शिव पर आ जाता है। आज से शादी ब्याह से लेकर कई मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। देहरादून में नाबालिग बेटी से छेड़खानी करने वाला पिता गिरफ्तार। थाना रायपुर पुलिस ने नाबालिग से छेड़खानी करने और मारपीट के मामले में आरोपी पिता को नाला पानी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर गणेश गोदियाल ने उठाए सवाल। ANM कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन। बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाया था। साथ ही ANM भर्ती प्रक्रिया मामले में जांच की भी मांग की थी, जिसके विरोध में आज ANM ने कांग्रेस मुख्यालय भवन पर धरना दिया। गाजियाबाद से लड़की को लेकर फरार थे दो युवक, यूपी पुलिस ने रुड़की से किया गिरफ्तार। गाजियाबाद से दो युवक एक किशोरी को लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद इस मामले की पड़ताल करते हुए यूपी पुलिस रुड़की पहुंची और सर्विलांस की मदद से आरोपी युवकों के कब्जे से किशोरी को बरामद कर लिया, जिसके बाद यूपी पुलिस तीनों को लेकर वापस गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई है। कांवड़ यात्रा के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रही उत्तराखंड सरकार, जाने प्रोसेस। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस सुविधा से कांवड़ यात्रा को किसी भी परिस्थिति में मदद पहुंचाई जाएगी। पांडव सेना में आज भी अपने आप उगती है धान की फसल, यह है पौराणिक कथा। पांडव सेरा में आज भी पांडवों के अस्त्र शस्त्र पूजे जाते हैं, जबकि द्वापर युग में पांडवों की ओर से रोपित धान की फसल आज भी अपने आप उगती है तथा धान की फसल उगने के बाद धरती के आंचल में समा जाती है, जिसे देखने के लिए सैलानी ललायित रहते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का खतरा। उत्तराखंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से हो रही सुअरों की मौत, मांस खाने और बिक्री पर रोक। उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बाद अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक हो चुकी है। दरअसल ऋषिकेश में लगातार सुअरों की हो रही मौत का खुलासा हो गया है। इन सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सुअर के मांस की बिक्री समेत इसके आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। अमरनाथ, दून के सैकड़ों लोगों को काजीगुंड बेस कैंप में रोका।
दून से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए 170 लोगों को पहलगाम से पूर्व कांजीगुंड बेस कैंप में रोक दिया गया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद सभी श्रद्धा आगे जाने नहीं दिया गया है। देहरादून से अमरनाथ यात्रा के लिए निकले लोगों से जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी संपर्क कर रहे हैं। 25,000 का चालान कटा तो याद आया वर्दी भत्ता। रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टरों को वर्दी भत्ता नहीं देना प्रबंधन को भारी पड़ गया। चंडीगढ़ में परिवहन विभाग की टीम ने उत्तराखंड रोडवेज के ड्राइवर को बगैर वर्दी में देख बस रोक दी। पता चला कि ड्राइवर के पास ना तो DL था और ना ही बस के कागजात। इस पर ड्राइवर को 25,000 रुपए का चालान थमा दिया गया। यह चालान रोडवेज मुख्यालय तक पहुंचा तो अफसरों को वर्दी भत्ता देने की याद आ गई। तबादलों में महाराज की पसंद को तरजीह, रेखा को झटका। नौकरशाही में ताजा फेरबदल के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सीएम ने न केवल अफसरों को कड़ा संदेश दिया है बल्कि अपने कैबिनेट के साथियों को भी इस बदलाव से भविष्य के लिए अहम संकेत दिए हैं। सीएम ने जहां कई सीनियर IAS के पर कतर दिए हैं तो वहीं कैबिनेट के सदस्यों की शिकायत सिफारिशों पर भी अपने हिसाब से फैसले लिए। अफसरशाही के फेरबदल में फिलहाल काबीना मंत्री सतपाल महाराज की पसंद को तरजीह मिली है। सीएम ने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर से उनके महाराज से जुड़े सभी विभाग हटाते हुए वित्त विभाग सौंप दिया है। महाराज पिछले काफी समय से जावलकर को अपने विभाग से बदलने के लिए दबाव बनाए हुए थे। महाराज सार्वजनिक रूप से भी वो अपनी इच्छाहत को इजहार करते रहे। दूसरी तरफ DSO के तबादलों पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य के साथ खुलेआम टक्कर लेने वाले खाद्य सचिव सचिन कुर्वे का कद CM ने और बढ़ा दिया है। आर्य की शिकायत के बावजूद कुर्वे को खाद्य में बरकरार रखा ही है। साथियों ने पर्यटन सचिव और पर्यटन विकास परिषद के CEO को पद दे दिया गया है। ग्राम विकास की जगह कुर्वे को नए विभाग मिले हैं। 3 अस्पतालों में धक्के खाने के बाद गेट पर जन्मा बच्चा। सरकारी अस्पतालों की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। पहले खटीमा और फिर हल्द्वानी में 2 सरकारी अस्पतालों में गर्भवती को इलाज देने के बजाय उसे यहां से वहां दौड़ाया गया। प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती को मजबूरी में शनिवार तड़के महिला अस्पताल के गेट के भारी बच्चे को जन्म देना पड़ा। बहरहाल सरकारी अस्पतालों की लापरवाही झेलने वाले जच्चा बच्चा सुरक्षित है। उधर इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने जांच करने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। समर सीजन के बाद वीकेंड पर सूना पड़ा नैनीताल। समर सीजन के बाद नैनीताल के पर्यटन में काफी गिरावट हुई है। आलम यह है कि वीकेंड पर भी नैनीताल के दर्शनीय स्थल सूने पड़े हैं। हालांकि लगातार हो रही वर्षा भी सैलानी नैनीताल का रुख नहीं कर रहे। भीमताल में हरेला मेले की तैयारियां शुरू। नगर पंचायत ने 16 जुलाई को आयोजित हरेले मेले की तैयारियां शुरू कर दी है। मेले को आकर्षक बनाने को लोक कलाकारों को बुलाया जा रहा है। मौसम विभाग सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाया। भारतीय मौसम विभाग जम्मू कश्मीर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के इलाके में मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर पाने में नाकामयाब रहा। IMD ने शुक्रवार को गुफा मंदिर के आसपास के इलाके के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। इसका मतलब होता है मौसम पर नजर रखें। येलो अलर्ट इस बात की चेतावनी नहीं देता कि बारिश या भारी बारिश होगी। यही वजह रहा कि स्थानीय प्रशासन इस अलर्ट को गंभीरता से नहीं ली और यात्रा जारी रही। फार्मासिस्ट ने पशु चिकित्सक का सिर फोड़ने के बाद जहर खाकर जान दी। गोलापार क्षेत्र के कुंवरपुर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में शनिवार को एक फार्मासिस्ट ने महिला पशु चिकित्सा अधिकारी का डंडे से हमलाकर सर फोड़ दिया, जिसके बाद खुद जहर गटक लिया। गंभीर हालत में उसे पड़ोस के युवक बेस अस्पताल आए, जहां से उसे सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया गया। STH में इलाज के दौरान फार्मासिस्ट की मौत हो गई। 24 घंटे धरने के बाद SSJ कैंपस के छात्रों की परीक्षा स्थगित। BSA स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने SSJ कैंपस के प्रशासनिक भवन में 24 घंटे तक धरना प्रदर्शन के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस दौरान छात्रों ने SSJ विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के खिलाफ भी नारेबाजी की। छात्रों के धरना प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी भी घर नहीं जा पाए। छात्र छात्राएं रात भर धरना प्रदर्शन पर डटे रहे। इधर शनिवार को SSJ कैंपस के अधीन कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करने के आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इधर अन्य कॉलेजों में कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को कार्यक्रम यथावत रहेगा। युवक को गोली मार, बाइक फोन लूटा। काशीपुर से बाइक से घर लौट रहे युवक को लुटेरों ने गोली मार दी, उसकी बाइक और मोबाइल लूट लिया। उसे घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में बारिश से 2 की जान गई, 179 सड़कें बंद। प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। शनिवार को नदी के तेज बहाव और पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश और भूस्खलन के कारण 3 नेशनल हाईवे समेत 179 सड़कों पर यातायात ठप है। बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से 2,000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। फूलों की घाटी जा रहे पर्यटकों को रोक दिया गया है। पेंशनर्स 18 जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन। CGHS के तहत अधिकृत कैंप से दवा की सुविधा बंद किए जाने और मैक्स अस्पताल में भुगतान नहीं होने पर OPD बंद होने से हजारों पेंशनर्स की समस्या उठानी पड़ रही है। अब उन्होंने 18 जुलाई से CGHS प्रभारी कार्यालय में आंदोलन का ऐलान किया है। भूस्खलन, देहरादून दिल्ली हाईवे 3 घंटे बंद रहा, जाम।
भारी बारिश के चलते मोहन में यूपी की सीमा में मोहन चौकी से करीब 3 किलोमीटर पहले भूस्खलन हो गया, जिससे देहरादून दिल्ली राजमार्ग करीब 3 घंटे तक बंद रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दून से वाहनों को वाया हरिद्वार भेजा गया। आशा रोड़ी पर बड़े वाहनों, ट्रकों आदि को रोक दिया गया। वाहनों का आवागमन प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। देहरादून में वाहन मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने दून में वाहन मोबाइल चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें 2 स्कूटर, 1 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन, 9,000 की नकदी और 4 चाकू बरामद किए गए। इन आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वे पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। मलबा आने से कई घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे रंडा और कंचन गंगा में मलबा आने से कई घंटों बाधित रहा। बद्रीनाथ हाईवे अन्य स्थानों पर भी अवरुद्ध। मशीनों की भारी मशक्कत के बाद यातायात के लिए हाईवे खोल दिया गया। शुक्रवार की रात आए मलबे से शनिवार को बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर बाधित रहा, जिन्हें मशीनों के जरिए खोला गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि बद्रीनाथ हाईवे समेत सभी सड़कों को खोलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। भूस्खलन और मलबे का असर सबसे अधिक ग्रामीण और लिंक मार्ग पर पड़ा। 47 लिंक और ग्रामीण सड़कें मलबा आने और भूस्खलन से बाधित रही। वर्षा असे लांकी और घिंगराड़ के पैदल संपर्क पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शुक्रवार रात बारिश से गोपेश्वर मंडल चोपता कुंड केदारनाथ हाईवे पर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।